गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए सब लोग अपनी साइंस की बुक निकाल लीजिए। यस मैम, निकाल लिए। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे ना? यस मैम। एंड वन मोर थिंग बच्चों, आप लोगों का साइंस का और सोशल साइंस का जो सिलेबस है चैप्टर 1, 2, 3 है, ओके? तो सब लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है? ओके। चलिए तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ लिया था? इस स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ लिया था। हाँ, हमने स्पाइनल कॉर्ड तक पढ़ लिया था। आज हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे नर्व्स। क्या होते हैं, ठीक है ना? चलिए दुर्गेश, रीड करिए। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक नर्वस इज अवर बॉडी दैट कनेक्ट्स एवरी पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी टू द ब्रेन ऑफ और स्पाइनल कॉर्ड। जस्ट लाइक अ थ्रेड इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, नर्वस टू आर मेड अप ऑफ नर्वस फाइबर्स। Each nerve fibers consists of nervous cells connected with each other. The nervous cells are also now as neurons. Each neuron is a specialized cell that is different from the other cells of the body. A neuron has a large cell body in center called striatum. From the striatum, several branches arise, which are called dendrites. One of these dendrites becomes very long and is now as axon. The axon of one neuron connects with the dendrites of the next neurons through forming a network of nerves. मैम आगे पढ़ना है? नहीं, बस। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको पढ़ेंगे। तो क्या है हमारा नर्व? There is a network of thread-like nerves in our body that connects every part of our body to the brain or spinal cord. हमारे बॉडी में क्या होते हैं? हमारे बॉडी में एक थ्रेड की तरह से, मतलब कि ये कैसे होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो किसको कनेक्ट करता है, हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। जस्ट लाइक अ थ्रेड इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, जैसे हमारा थ्रेड फाइबर से बना होता है, इसी तरीके से ये भी किससे बना होता है, ये भी हमारा फाइबर से बना होता है। नर्व्स टू आर मेड अप ऑफ नर्व फाइबर, और ये जो नर्व्स है ये किससे बने होते हैं, नर्व फाइबर से बने हुए होते हैं। द नर्व सेल आर ऑल्सो नोन एज न्यूरोन। नर्व सेल को हम किस नाम से जानते हैं? नर्व सेल को हम न्यूरोन के नाम से जानते हैं।
Each neuron is a specialized cell that is different from the other cell of the body. और जो हर एक न्यूरोन है ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड सेल है, किसके, हमारे सेल्स में जो डिफरेंट सेल्स हैं उनसे. The neuron has a large cell body inside called it chiton. जो नर्वस होता है इसकी जो एक लार्ज सेल बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्राइटॉन बोलते हैं. फ्रॉम द क्राइटॉन सेवरल ब्रांचेस अराइजेस व्हिच आर कॉल्ड इट डेंट्रस. फिर क्या होता है, इससे कई सारी ब्रांचेस क्या होती हैं, अराइज होती हैं, जिनको हम डेंट्रस बोलते हैं. द एक्सन वन ऑफ दीज डेंट्रस बिकम वेरी लॉन्ग and are known as axons. उसके बाद में क्या होता है, ये जो dentures होते हैं क्या होती है, कोई भी एक dentures काफी बड़ी लंबी हो जाती है और क्या कहलाती है, axon कहलाती है. The axon of one neuron connects with the dentures. और जो हर एक axon की जो neuron होती है वो क्या होती है, dentures से connect होती है दूसरे neuron से, thus forming a network of नर्व्स. और इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से नर्व्स का नेटवर्क बनाते हैं. जैसे कि हम फर्स्ट आप देख सकते हो, ये जो है ये क्या कहलाता है आपका, नर्व कहलाता है आपका, नहीं बेटा ये आपका कहलाता है, मैम न्यूरॉन, साइटन, साइटन. ये आपका कहलाता है साइटन, ठीक है. अब उसके बाद में आप देख सकते हो ये हमको क्या शो हो रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है ना. यस मैम. तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है आपका, डेंट्रस. ये कहलाता है आपका डेंट्रस. फिर उसके बाद में क्या होता है, इनमें से कोई भी एक डेंट्रस क्या होती है, एक लार्ज एक्सन में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये जो है हमारी, ये होती है हमारी एक्सन. ठीक है, अब सबको समझ में आया क्या हमारा डेंट्रस है, साइटन है और एक्सन है. यस मैम. और ये जो पूरा डायग्राम है ये कहलाता है हमारा नर्वस नर्व. हाँ, ये जो पूरा डायग्राम है ये हमारा कहलाता है नर्व सेल्स. नर्व सेल. यस मैम. बताइए सबको समझ में आ गया. यस मैम. चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पे, सेंसरी नर्व. क्या है हमारा नेक्स्ट, सेंसरी नर्व्स. इसको अब है, चलिए आप रीड करिए सेंसरी नर्व्स के बारे में. दीस नर्व्स कनेक्ट सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन. दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन. द ब्रेन एनालाइज द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द मसल्स एप्रोप्रिएट. The nerves carry from the brain to the muscles. They are third kind of nerve called mixed nerve, which carry out two-way transmission. They carry messages to the brain or spinal cord and also carry orders to the muscles and glands.
So now you can understand that after you are reading this chapter, your eyes are sending the images of the words written in your textbook. The brain for the optic nerves. These sensory nerves that can carry messages from the eyes to the brain. The brain recognizes the words and recalls their pronunciation from the stored memory from previous lessons. When you learn to read, then it sends instructions from motor nerves to the muscles of vocal cords, thoughts, and the mouth parts to produce the appropriate sound to pronounce the written words. Not only this, when you are reading, your brain is also storing the fresh information for future use. It has unlimited storage. Right. तो ये था हमारा सेंसरी नर्व्स के बारे में. तो चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग सेंसरी नर्व्स के बारे में समझते हैं. These nerves connect sense organs to the brain. ये जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं, ये क्या करती है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं. जैसे कि आपको पता है ना, हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? Eyes, ear, nose, tongue, skin. हाँ, तो ये जो हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स है, ये क्या करती है, सेंसरी नर्व्स इनको हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती हैं. They carry messages from the sense organs to the brain. और ये जो हमारी सेंसरी नर्व्स हैं, ये क्या करती हैं, ये सेंस ऑर्गन से मैसेज कैरी करके कहाँ लेके जाती हैं, ब्रेन के पास लेके जाती हैं. The brain analyzes the information received and send instruction to the muscles for appropriate action through motor nerves. उसके बाद में क्या होता है, जब ये सेंसरी और सेंसरी नर्व्स मैसेजेस मैसेज को लेके जाती है ब्रेन के पास, तो ब्रेन क्या करते हैं, उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको अच्छे से एनालाइज करता है, मतलब कि समझता है उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है. फिर क्या करता है, जो मसल्स होती हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता है, किसके थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू. उनको बताते हैं कि उनको अब जब ऐसा हुआ है तो उनको क्या एक्शन लेना है. ठीक है, अब जैसे कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग खेलते हो, दौड़ते हो, है ना. कभी कभी क्या होता है, खेलते खेलते आपके हाथ में दर्द होने लगता है ना. यस मैम. ये ना, तो क्या होता है, हमारा जब हैंड पेन करने लगता है तो उसके जो इंफॉर्मेशन है पेन वाली, वो कहाँ जाता है, वो हमारा जाता है ब्रेन के पास. ब्रेन क्या करता है, ब्रेन उसको समझता है, और जब ब्रेन उसको समझ लेता है तो क्या करता है, फिर नर्व्स मसल के थ्रू वो क्या करता है, उनके पास इन्फो जो ऑर्डर होता है उसको भेजता है, उनको बताता है कि उनको अब क्या करना है. तभी क्या होता है, हम खेलना बंद कर देते हैं. अब जैसे हम दूसरा एग्जांपल लें, आप लोग सपोज करिए बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं, ठीक है, देख भी रहे होंगे इस टाइम तो, है ना, पूरा दिन टीवी के आगे बैठे रहते होंगे. तो क्या होता होगा, टीवी देखते देखते आपकी आईज में पेन भी होना स्टार्ट हो गया होगा ना, स्टार्ट हो जाता है ना. यस मैम. तो क्या होता है, जो हमारा जब आईज पेन होता है तो आईज हमारा क्या है, सेंस ऑर्गन है कि नहीं है. यस मैम. यस मैम है, सेंस ऑर्गन है. सेंस ऑर्गन है, तो ये क्या होती है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन से कनेक्ट होती है ना. तो क्या होता है, जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, वो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन लेके जाती है,
और जब ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाता है, मैसेज जाता है, तो वो क्या करता है ब्रेन, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, मतलब कि पढ़ता है, समझता है, और फिर क्या करता है, मसल नर्व्स मतलब कि मोटर नर्व्स के थ्रू वो हमारे आईज को क्या करता है, ऑर्डर देता है कि हमें क्या करना है, जैसे कि हमें आईज बंद कर, आईज क्लोज कर देनी है, या फिर टीवी देखना बंद कर देना है ना। तो ब्रेन क्या करता है, हमारे इस तरीके से सभी ऑर्गन्स को ऑर्डर देता है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है? यस मैम, यस मैम। द मोटर नर्व्स कैरी ऑर्डर टू द ब्रेन टू द मसल्स। और जो मोटर नर्व्स होती है वो क्या करती है, ब्रेन ने जो ऑर्डर दिया होता है उसको मसल्स के पास लेके जाती है। देयर आर थ्री काइंड ऑफ नर्व्स कॉल्ड मिक्स नर्व्स। तो क्या है, जो थ्री काइंड ऑफ नर्व्स प्रेजेंट है जिनको हम मिक्स नर्व्स के नाम से जानते हैं, विच कैरी आउट टू ट्रांसमिशन, जो क्या करती है, टू ट्रांसमिशन को करती हैं। दे कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल्सो कैरी ऑर्डर टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये क्या करती हैं, मैसेजेस को कैरी करती हैं ब्रेन पे या स्पाइनल कॉर्ड पे, एंड ऑल्सो कैरी ऑर्डर्स, और ये साथ में क्या करती हैं, ऑर्डर्स भी कैरी करती हैं, किसके लिए, मसल्स के लिए और जो दूसरे ग्लैंड्स हैं उनके लिए। So now we can understand that as you are reading this chapter, your eyes are sending the image of the words written in your textbook to the brain through the optic nerves. तो हम जैसे क्या हो रहा है, अब जैसे हम लोग इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं, तो हम किसके थ्रू रीड कर रहे हैं, हमारी आईज के थ्रू रीड कर रहे हैं ना। तो हमारी आईज क्या कर रही है, हमारी आईज क्या कर रही है, इस बुक में जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं सबको कहाँ पे लेके जा रही है, सबको हमारे ब्रेन के पास लेके जा रही है ना। यस मैम। और किस नर्व के थ्रू लेके जा रही है, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू लेके जा रही है। द सेंसरी नर्व्स दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। तो सेंसरी नर्व्स क्या है, सेंसरी नर्व्स क्या कर रही है, हमारी आईज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, किसके पास, ब्रेन के पास। द ब्रेन आइडेंटिफाई द वर्ड एंड रिकॉल देयर प्रोनाउंसिएशन from the stored memory from previous classes when you learn to read. तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन उन लेटर्स को पढ़ता है ना, और क्या करता है, याद करता है हमने जो भी पुरानी क्लासेस में सीखा था, याद किया था, वो सब क्या होता है, हमारे ब्रेन में स्टोर होता है ना। तो ब्रेन क्या करता है, वहां से उस इंफॉर्मेशन को निकालता है और पता लगाता है। दिस इज देन इट सेंड इंस्ट्रक्शंस टू मोटर नर्व्स टू द मसल्स ऑफ द वोकल कॉर्ड एंड द माउथ पार्ट टू प्रोड्यूस द एप्रोप्रिएट साउंड टू प्रोनाउंस द रिटन वर्ड। जब क्या होता है, ब्रेन को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ब्रेन क्या करता है, मोटर नर्व्स के थ्रू हमारे कहाँ पे जाता है, जो वोकल कॉर्ड होती है उसके मसल्स को ऑर्डर देता है, हमारे माउथ पार्ट के मसल्स को ऑर्डर देता है, ताकि हम क्या कर सके, एप्रोप्रिएट साउंड को प्रोड्यूस कर सके, जो भी लिखा हुआ है। Not only this, यही नहीं, when you are reading, जब हम पढ़ रहे होते हैं, your brain is also storing the fresh and fresh information for future uses. तो जब भी हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम
कोई नई चीज पढ़ते हैं, नई चीज को पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो क्या होता है, जो ब्रेन होता है उन न्यू इंफॉर्मेशन को भी अपने में स्टोर करता है, ताकि हम क्या कर सके, उसको हमारे आगे फ्यूचर में यूज कर सके। इट हैज अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, और हमारी ब्रेन की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या है, वो अनलिमिटेड है। हम जितना चाहें उतना ज्यादा नई नई चीजों को सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं, है ना? Yes, ma'am. तो yes, ये था ma'am. हमारा सेंसरी नर्व्स और ब्रेन के बारे में। अब जैसे कि आप लोगों को क्या होता है, जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को नहीं याद आ रहा होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस इंफॉर्मेशन को आप, सब लोग अपने माइक्स को म्यूट कर दीजिए, तो ब्रेन क्या करता है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले, आप लोग का जैसे पेपर हो रहा है, ठीक है, आप लोग याद कर रहे हो, तो उस पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको नहीं याद आ रहा होता, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो क्वेश्चन है वो आपने अच्छे से याद नहीं किया है, है ना? तभी तो वो क्वेश्चन हमको नहीं याद आता। ठीक है ना? और जब क्या करते हैं, जब हम किसी भी चीज को अच्छे से याद कर लेते हैं, जब हम उसको दोबारा से पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को फाइंड करता है और क्या करता है, हमें हमारे वोकल कॉर्ड को मसल्स के थ्रू ऑर्डर देता है ये बोलने के लिए, ताकि हम क्या कर सकें, हम अच्छे तरीके से, सही तरीके से क्या करें, उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करें। ठीक है, जैसे कि अभी आप इन वर्ड्स को सीख रहे हैं, कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिनको आप अभी नहीं पढ़ पा रहे, नए वर्ड्स हैं, तो वो क्या है, उनको आप लर्न कर रहे हैं। ठीक है, जब वो फ्यूचर में क्या होगा, जब फ्यूचर में वो वर्ड्स दोबारा से आपके सामने आएंगे, तो आप क्या कर पाओगे, तब आप उनको अच्छे से ध्यान से रीड कर पाओगे कि उन वर्ड्स को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स आरुषि, फर्स्ट कीवर्ड रीड करिए। आकांक्षा माइक म्यूट कर दीजिए आप अपना। Voluntary action under the control that involves these are carried out with the help of voluntary muscles. तो first keyword क्या है हमारा, voluntary action। अब आपको बताना है कि voluntary actions क्या होते हैं। Actions under our control that involve thinking. These are carried out with the help of voluntary muscles. वो muscles जो क्या होते हैं, हमारे control में होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम control कर सकते हैं, और उनको हम voluntary muscles बोलते हैं। और ये किसके थ्रू कैरी होते हैं, ये वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं, हमारी बॉडी में वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं ना, तो जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनके थ्रू ही क्या होता है, वॉलेंट्री मसल्स फंक्शन करती है, वॉलेंट्री एक्शन फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिया, इनवॉलेंट्री एक्शन को रीड करिए। In...
automatic action on in our body at all time, like heartbeat, breathing, movement of food in elementary canal, blinking of eyes, etc. These are carried out by involuntary muscles. Automatic action going on in our body that in all times, like heartbeat, breathing, movement of food and elementary canal, blink of eyes, etc. These are carried out by involuntary muscles. वो muscles, वो actions जो क्या होते हैं automatically अपने आप ही हो जाते हैं. वो actions जो क्या होते हैं अपने आप हो जाते हैं, उनको हम involuntary actions बोलते हैं. और involuntary actions किसके through होते हैं? ये भी हमारे involuntary muscles के through होते हैं जो हमारी body में present होते हैं. अब involuntary actions कौन कौन से हैं? जैसे कि हो गया आपका breathing, food moving towards elementary canals, eye blinking, है ना? ये क्या है हमारे? ये है हमारे involuntary actions. अब last आता है हमारा reflexive action. आकांक्षा आप भी करिए reflexive action को. Career read, Akansha. Comment amongst in reports to a self with over involving our brain IE with or thinking is with drawing or hand on drawing a hot object or a serious object. These are compressions by the sailing school. आकांक्षा आप घर में बैठ के रीड करने की प्रैक्टिस करा करिए, ठीक है? नव्यांश आप रीड करिए. यस मैम. ऑटोमेटिक एक्शन इज लीप रिस्पॉन्स टू अ Teamly without involving your brain, without thinking, with drawing your hand on touching a hot object. चलिए इधर देखिए, सब लोग अच्छे से घर पे बैठ के रीड करेंगे. नव्यांश ठीक है, घर पे बैठ के सब लोग रीड करना सीखिए, ठीक है? ऑटोमेटिक एक्शन, अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में. ऑटोमेटिक एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू अस टू लाइफ विदाउट इन्वॉल्विंग आर ब्रेन. जो ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो बिना ब्रेन को इन्वॉल्व किए क्या करते हैं? एक्शंस को करते हैं. मतलब कि विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे ही जो भी एक्शंस कर दिए जाते हैं उसमें क्या होता है? हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है. एग्जाम्पल, विदड्रॉइंग आवर हैंड्स और टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट और अ शार्प ऑब्जेक्ट. अगर आपने क्या किया, अगर आपने गलती से किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को या शार्प ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, तो क्या करते हो आप? बिना सोचे ही अपने हाथों को तुरंत हटा लेते हो.
these are controlled by the spinal cord. और इनको कौन कंट्रोल करता है? तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो सारे हमारे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है. ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर. अब सब लोग क्या करेंगे, अब आप लोग के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो सब लोग अच्छे से सभी चीजों को जो आपके चैप्टर 1, 2, 3 है उनको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, और सब लोग अपने पेपर खुद देंगे बिना कॉपी को और बुक को खोले, और क्या करेंगे, खुद से पेपर देंगे. ठीक है, बिना चीटिंग करे पेपर देंगे आप लोग. ओके ना, चलिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. मैम थैंक यू. थैंक यू मैम.